नई दिल्ली CAA और NRC के विरोध में पुरुषों के प्रोटेस्ट के बाद अब जगह जगह महिलाओं ने विरोध का झंडा थाम लिया है और जगह जगह पर 24 घंटे का प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। शाहीन बाग की तर्ज पर खुरेजी, जाफराबाद, मुस्तफाबाद के बाद दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में महिलाएं हाथ में तिरंगा लेकर कर प्रोटेस्ट कर रही है। रात भर महिलाएं एवं बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुबह पहले इंद्रलोक इलाके की महिलाओं ने इंद्रलोक मक्की मस्जिद से लेकर मेट्रो स्टेशन तक जुलूस निकाला और उसके बाद मेट्रो स्टेशन के बाहर वो धरने पर बैठ गई। धरना स्थल के आसपास पुरुष वॉलंटियर्स ने ह्यूमन चेन बनाकर रास्ते को कवर किया हुआ है, जिससे वहां आने जाने वाले राहगीरों को किसी तरह की परेशानी न हो। प्रोटेस्ट में धीरे धीरे महिलाओं के अलावा JNU स्टूडेंट्स भी पहुँचना शुरू हो गए हैं। प्रोटेस्ट में देर शाम के बाद पुरुष भी हाथ में मोमबत्ती जलाकर ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो गए और उन्होंने भी शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध प्रकट किया। प्रोटेस्ट में हजारों महिलाएं और पुरुष हिस्सा ले रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से एक्ट सराय रोहिला आर.के. राठी के निर्देशन में शो सराय रोहिला लोकेंद्र कुमार, इंस्पेक्टर राम किशोर, चौकी प्रभारी पंकज पैकरन, शो गुलाबी बाग विमल कुमार, भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद है और बेहतर तरीके से शांति व्यवस्था को बनाए हैं। जामिया की एक्स स्टूडेंट हूँ, मुझे 7 साल हो गए हैं जामिया से पास आउट किए हुए। लेकिन पिछले दिनों जो जामिया में हुआ बहुत ज़्यादा अफसोस करने वाली चीज़ थी। तो ऑब्वियसली मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे वहाँ पे साथी थे, मेरे बहुत फ्रेंड्स थे जो लोग इंजर हुए, जिनमें से कुछ लोगों के जाने भी गई। तो हम बस अपनी सरकार तक बात पहुँचाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं कि बातें तो प्यार से भी हो सकती हैं, लाठियाँ चलाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हम स्टूडेंट्स हैं, हम अपनी कलम से बात करते हैं, आप भी हमसे सामने आकर बात करिए। डंडे चलाने से, गोलियाँ चलाने से कोई बात नहीं होती, बात बढ़ती है, लड़ाइयाँ होती हैं, लोगों की जानें जाती हैं, नुकसान हम लोगों का होता है, आपका कुछ नहीं जाता। ठीक है, हम जो यहाँ पे हम विरोध में सबसे, जब 12 दिसंबर 2019 को इन लोगों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब पास किया, तो हम लोग सड़कों पे खड़े हुए कि हमें ये बिल नहीं चाहिए। 15 दिसंबर को आपने जामिया मिल्लिया में हमला करा दिया, बहुत लोग इतने ज़ख्मी हुए। हम लोग धरने पे बैठ गए, बिल नहीं चाहिए, हमें पता चला आपने उसको एक्ट बना दिया। हम पागल हैं, हम सड़कों पे बैठे हुए, हमारी बात सुनी नहीं, बिल को आपने एक्ट बना दिया। चलो, अब हम एक्ट के विरोध में बैठे थे, आपने उसके बाद वहाँ पे NRC शुरू कर दिया। अब हम जब NRC के विरोध में बैठे, आपने NPR शुरू कर दिया। क्रोनोलॉजी समझिए ना आप, कैसे हम लोगों को पागल बना रहे हैं। हमें सब समझ आ रहा है, हम जाहिल नहीं है। 70% ऑफ इंडिया इज स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट। मैं डॉक्टर हूँ, मैं पढ़कर आई हूँ, JNU के बच्चे पढ़कर खड़े हुए हैं, जामिया मिल्लिया के बच्चे पढ़कर खड़े हुए हैं, AMU के बच्चे पढ़कर खड़े हुए हैं, जितने लॉयर्स हैं वो लोग पढ़ के खड़े हुए हैं। हमारे पास डिग्रीज हैं, हम अनपढ़ नहीं हैं, हम किसी अनपढ़ की कलम से डर नहीं सकते, हमारे पास हक है। हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, जैसे शाहीन बाग की औरतें 34-35 दिनों से। अगर आपने अभी तक हमारा समर इंडिया न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला प्रत्येक समाचार सबसे पहले आप तक।